आज का ब्लॉग थोड़ा शायद इंटरेस्टिंग होने वाला है शायद। को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और एक भी बस नहीं मिली मुझे देहरादून से हरिद्वार के लिए। सोचा है कि मैं अब लिफ्ट लेके ही हरिद्वार जाऊंगा। भैया लिफ्ट, क्या लिफ्ट नहीं है भाई, गरीबों का कोई नहीं है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, काफ़ी लेट ब्लॉग आया, काफ़ी बहुत टाइम बाद ब्लॉग अपलोड कर रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ रीजन्स थे मेरे भी, बट कुछ नहीं, अब से मैं डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग लाते रहूंगा। एंड आज का ब्लॉग थोड़ा शायद इंटरेस्टिंग होने वाला है शायद, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को, अभी मैं भानीवाला पे खड़ा हूँ और मैं लगभग, मेरे को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और एक भी बस नहीं मिली है मुझे देहरादून से हरिद्वार के लिए। बट 20 मिनट तक तो हो गए मेरे को, बट कोई भी गाड़ी नहीं मिली अभी तक। तो मैंने सोचा है कि मैं अब लिफ्ट लेके ही हरिद्वार जाऊंगा, तो लिफ्ट मांगने के ट्राई करूंगा, लिफ्ट मांग के ही हरिद्वार जाऊंगा। तो बने रहना ब्लॉग में, देखते हैं कौन लिफ्ट देता है कौन नहीं, ठीक है? ट्राई करते हैं। कोई आ भी तो नहीं रहा, अभी कोई आ भी नहीं रहा, क्या करूं। अंकल लिफ्ट, अंकल नहीं रुके यार। भैया तो आ रहे, भैया लिफ्ट, भैया जी सही है, इस गरीब का कोई तो हो। भैया लिफ्ट, कोई नहीं है भाई, गरीबों का कोई नहीं है। कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे इस साइड में। अगर लिफ्ट आगे तो कोई नहीं दे रहा भाई। अब इधर से क्या करूँ मैं, कब से पैदल खड़ा हूँ। लिफ्ट अंकल जी, सब भाग रहे भाई। कैसी निर्दयी दुनिया है, एक क्यूट से बालक को लिफ्ट नहीं दे पा रही है। लिफ्ट गली आगे तक। भैया जी लिफ्ट। सो गाइस, 15-20 मिनट तो हो चुके हैं, पर अभी तक किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी है भाई को। अभी देखते हैं और ट्राई करते हैं, पैदल भी चलता हूँ आगे एकदम, चलते ट्राई कर लेंगे यार किससे। ऐसी जुल्मी दुनिया है, कोई लिफ्ट नहीं देता। गाइस गन्ने खाओगे? ये जाएंगे यहाँ से सीधा गुड़ बनने के लिए जाएंगे यहाँ से। गाइस पैदल चल के थक गया हूँ, मगर कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं है तुम्हारे भाई को। क्या आज का ब्लॉग ऐसे ही जाएगा? जानने के लिए इसी एपिसोड में देखिए, अगला नहीं यही एपिसोड देखिए, क्या होगा आगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं हाईवे पर रुका और मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं दी। जानने के लिए इसी ब्लॉग को देखिए, कंटिन्यू स्टे कनेक्टेड। अंकल जी सर, इन अंकल से पूछता हूँ यार। अंकल जी आगे तक जा रहे क्या, यहीं तक? अच्छा ये तो यहीं पर जा रहे यार। अंकल जी आगे तक। भैया लिफ्ट दे दो आगे तक। क्या बोला इन्होंने, कोई समझ ही नहीं आया। लिफ्ट, क्या लोग हैं भाई, कमाल के लोग हैं भाई। लिफ्ट दे दो यार आगे तक। ये आगे तक जाओगे क्या है? आगे तक जाओगे? कहाँ तक जाना आपने? मेरे को जाना तो मेरे को हरिद्वार ही है। चलो देखो जहाँ तक जा रहा वहाँ तक छोड़, बस वहाँ तक छोड़ देना। धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया। मैं यूट्यूब ब्लॉग बना रहा हूँ। मैंने पता क्या खा सकती है कि खाने वाला से मैंने बनाया कि मैं यहाँ से लिफ्ट लेके जाऊँगा।
जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। ठीक है भैया, थैंक यू। गाइस भैया ने लिफ्ट तो दे दी है, पर थैंक यू। अब आगे जाना पड़ेगा, अब थोड़ा और आगे देखता हूँ, चलता हूँ, फिर देखता हूँ कोई और लिफ्ट दे देगा तो। धीरे धीरे गाइस थोड़ा कॉन्फिडेंस सा बढ़ रहा है कि अच्छा लग रहा है कि भाई। वैसे तो मैं 20 मिनट से खड़ा था, बट किसी ने भी नहीं रोकी, पर भैया ने रोक दी थी, मेरे को देखते ही रोक दी थी गाड़ी, और इन्होंने लिफ्ट दिया जी, तो थैंक यू भैया। एंड अब देखता हूँ, अब अगले लिफ्ट मांगता हूँ फटाफट। देखते आगे। तो गाइस भानी वाला से लेके डोई वाला तक तो भैया ने लिफ्ट दे दी थी, अभी मैं डोई वाला में हूँ, और यहाँ पे देखते हैं कोई लिफ्ट देता है कि नहीं देता है। चलो देखते हैं, पता नहीं हमारा ये सफ़र जारी रहेगा भी या नहीं, पता नहीं, चलो देखते हैं फिर भी। और अंकल नोटिस कर रहे हैं कब से मेरे को, क्या देख रहे हैं अंकल जी, व्लॉग बना रहा हूँ मैं तो। ले ले गली लिफ्ट। अच्छा कोई नहीं अंकल, भैया ऑन ड्यूटी ऑफिसर। भैया लिफ्ट, आठ बज गए। अंकल कोई नहीं रोक रहा अंकल जी, लिफ्ट कोई नहीं रोक रहा, लिफ्ट। ये भैया ने रोकी, भैया ने रोकी, भैया ने रोकी। भैया आगे जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक छोड़ दो, थैंक यू। जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, आए आए हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम ना पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, आए आए हम ना आए, ऐसी जी। मेरे खाली घूमने की, वो मेरी ड्यूटी वाली है। अच्छा भैया ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। तो गाइस इन भैया ने मेरे को लिफ्ट दी, इन भैया का नाम है विपिन, तो विपिन भैया ने मुझे लिफ्ट दी यहाँ तक। अभी वो गाड़ी चेंज करवाने गए, तो दूसरी गाड़ी लेके आएंगे, ऑफिस की गाड़ी लेके आएंगे अपनी, तो उनमें चलेंगे। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये हरिद्वार ही जा रहे, सीधा सीधा डायरेक्ट हरिद्वार की लिफ्ट मिल गई है, सीधा हरिद्वार ही मिलेंगे। अब बार बार की टेंशन खत्म, की गाड़ी चेंज करो हर स्टॉप से, बस ठीक है सब, सीधा हरिद्वार के मिली। थैंक्स टू विपिन भैया। एंड अभी भैया आ रहे हैं, फिर देखते हैं कब तक आते हैं। बाल देखो गाइस सुबह सुबह कैसे हो रखे हैं यहाँ पर, तब हो गए हवा से हो रखे सारे खराब। विपिन भैया को देखो खराब हो गए।
तब एमटियां लेके घूम रहे, अपना टाइम आएगा फिर तो देहरादून की रोडों पे वंग वंग करवा के लेके उनका गाड़ी को अपनी। अभी लाल तप्पड़ पे खड़ा हूँ मैं एंड विपिन भैया गाड़ी दूसरी गाड़ी लेने, अपनी वो वाली गाड़ी छोड़ने गए और दूसरी वाली लेके आएंगे एंड उसके बाद फिर हम आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए एंड तक देखना वीडियो को, तब तक के लिए आप बने रहो हमारे साथ। भैया अभी तक आया कि तो गाइस 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, विपिन भैया अभी तक आए नहीं है। वैसे तो या तो ऑफिस शायद दूर होगा फिर, या तो कुछ और प्रॉब्लम हो गई होगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 10 मिनट यहाँ पे रुकूंगा, तो अगर 10 मिनट में विपिन भैया आते हैं तो उनके साथ चला जाऊँगा, वरना किसी और से लिफ्ट मांगता हूँ। तो 10 मिनट वेट करूँगा फिर चलता हूँ। सो गाइस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, विपिन भैया तो आए नहीं। अब मैं चलता हूँ सीधा आगे और ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ फिर से आगे एंड फिर से लिफ्ट मांगना शुरू। तुम्हारा भाई फिर से लिफ्ट मांगना शुरू करते हैं। बताओ है कोई जो तुम्हारे भाई को लिफ्ट देगा, देखते हैं। जोली ग्रांड का रास्ता कहाँ से है? जोली ग्रांड वो तो उधर है, पिछली गली है ना, पीछे है वो तो, उधर है उधर। यहाँ से आप भानीवाला जाना, भानीवाला से पूछ लेना आप। जोली ग्रांड हॉस्पिटल से ही तो आ रहा हूँ मैं भी। गाइस हो रहे हैं, हमारे विपिन भैया आ ही गए आखिर में, काफ़ी लेट हो गया था बट ठीक है। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं लग ही रहा था शायद ऑफिस अंदर होगा ज़्यादातर। अच्छा अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। मेरा इधर नहीं है, मेरा है उधर ऋषिकुल पे, ऋषिकुल जाता हूँ ना। तो आप यहाँ से कोई बात नहीं, चले जाओ, मैं देखता हूँ आगे जा रहे हो आप, शायद वहाँ से कटोगे ना, ओम पुल के पीछे से जो कनपुल के और आगे से। हाँ तो फिर मैं ऋषिकुल पे उतर जाऊँगा आपके साथ, प्रेमनगर आश्रम चौक से। अच्छा तो मैं पीछे ही उतर जाऊँगा वैसे, फिर आप आगे चले जाओगे ना। नहीं नहीं ये तो वैसे मैं कर चुका हूँ पहले, मैं यहीं पर रुकूँगा। उधर का मैंने कल का रखा हुआ ना। ठीक है चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं उसका नाम बता दूं, मैं आपको मेंशन कर दूंगा नाम ना, नाम तो बता दो। विपिन मालिया। विपिन मालिया, चलो भैया ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो गाइस विपिन भैया तो चले गए। तो गाइस फाइनली मैं हरिद्वार पहुँच चुका हूँ एंड ये देख लो ऋषिकुल के पुल पर खड़ा हूँ अभी, तो लिफ्ट लेते लेते तो मैं हरिद्वार पहुँच ही गया। थैंक यू विपिन भैया एंड भैया जी का नाम तो मैंने पूछा नहीं था बट ठीक है। तो पहुंच चुका हरिद्वार, अब जाता हूँ सीधा घर, वैसे यहाँ से पास में ही है तो अब पैदल पैदल चला जाऊँगा घर पे। तो गाइज अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो यार लाइक तो ज़रूर करना यार इस ब्लॉग को, और ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सबको फैला दो यार। तो मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए क्या बताएं।